यहाँ पे तकरीबन 2000 तक ना एक रिट्रेसमेंट है यहाँ पे, एक मैं चेक कर लूँ जरा। नहीं, ये जो रिट्रेसमेंट है ये 1995 तक है। इस जोन में जो रिट्रेसमेंट है ना वो तकरीबन 1995 तक बनती है, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अभी ये 3 मिनट रह गए अगली कैंडल बनने में। पचानवे कहाँ पे, ये है 95, इस एरिया तक जो है ना ये बनती है, ये जो है ना आपकी यहाँ तक एक रिट्रेसमेंट है यहाँ पे, अभी देखते हैं इसको। अच्छा, ये लाइन किसने हटा दी है यार? अच्छा, ठीक हो गया। 95 कहाँ पे, ये है 95, ये फिर देखेंगे हम इसको नेक्स्ट कैंडल बनने की, फिर करेंगे। ये आप वाले लेवल से तो बड़ा ऊपर आ गया है। हाँ, वो तो बड़ा फिट गया, वो तो बड़ा जबरदस्त ले गया था ये, जैसे ब्रेक किया ना ये। यहाँ पे बाइंग बहुत ज्यादा हो रही थी, अभी वो हफीज भाई गुजर गया है। अभी नेक्स्ट देख रहा हूँ मैं कि 95 तक ना एक रिट्रेसमेंट पड़ी है और है इसी जोन में। एक जरा कोई है इसी जोन के अंदर है, इसी जोन के अंदर है या 95 तक। लेकिन अब इसको हाथ कहाँ से डालें समझ नहीं आ रही। स्टॉप लॉस भी छोटा देना है, अगर बड़ा एसएल दें तो रिकवर बड़ा मुश्किल होगा। ये वाला लेवल तो फीस भाई बड़ा फिट गया, ये तो बहुत प्यारा साइन था ना इसका, ये तो टेक्स्ट मैं, बुक सेटअप था ना। हाँ ये तो बहुत प्यारा सेटअप होता है ये वाला, ये तो जबरदस्त है। इस प्राइस के आसपास जो है ना रिट्रेसमेंट पड़ी है 1995 तक। और ये तकरीबन इसने हाई दी है तकरीबन 2007 की दी है हाई भी से ना, वो स्टॉप लॉस में असल एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही इसकी, तो अभी इसकी रिट्रेसमेंट कैसे पकड़े हैं। ये असल बड़ा इसमें चलना नहीं है, मजा नहीं आ रहा। एक प्रैक्टिस करते हैं फिर डाल दी हाथ इसमें। स्टॉप लॉस इसको देते हैं 10 पिप का, बड़ा है इतना बड़ा एसएल वाला नहीं खाता इसमें। चलो 10 पिप का एसएल बहुत है। आगे भी एक ऐसे